आज सुबह मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर पर भरोसा रखें, वही सब पूरा करेगा। दोस्तों, कई बार हम ऐसी परेशानियों में होते हैं, ऐसी सिचुएशन में होते हैं जब उनसे बाहर निकलना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। हम में से बहुत लोग उस समय परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करने के बाद भी परेशानियों को अपनी तरफ से दूर करने की कोशिश करते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन आज सुबह हमसे कहता है, भरोसा रख, परमेश्वर पर भरोसा रख, वही हमारे लिए सब कुछ पूरा करे। दूसरा राजा और उसका चौथा अध्याय, दोस्तों एक कहानी हम लोग यहाँ पर देखते हैं, दूसरा राजा 4:21। तब उसने चढ़कर उसको परमेश्वर के भक्त के खाट पर लेटा दिया और निकल कर द्वार बंद किए और तब उतर गई। पहली बात कि वो परमेश्वर के उपस्थिति में गई। जब वो संकट में पड़ी तब वो परमेश्वर के उपस्थिति में गई, वो कहीं और नहीं गई। दूसरी बात, उसने अपने बोझ को, अपने उस डेड बॉडी को उसने एलिशा की खाट में रख दिया, परमेश्वर की उपस्थिति में उसने उसे छोड़ दिया। और तीसरी बात, उसने वहां से निकल करके दरवाजा बंद कर दिया और वहां से निकल गई। मेरे प्रियो, बहुत बार हम लोग प्रार्थना तो करते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते तो हैं, अपने बोझ को हम परमेश्वर से शेयर तो करते हैं, परमेश्वर से हम उस बोझ के बारे में बताते तो हैं, उस परेशानी के बारे में बताते हैं, परंतु जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर आते हैं फिर भी हम उस बोझ को लेके ही आते हैं, हम उस बोझ को अपने सर में लेके बाहर फिर से आ जाते हैं और फिर से हम कोशिशों पे लग जाते हैं कि कैसे मैं इस परेशानी से बाहर निकलूं, कैसे मैं इस परिस्थिति से बाहर निकलूं, और हम अपने दिमाग में सोचते रहते हैं या फिर हम बहुत सारी कोशिशें करते रहते हैं। परंतु यहां पर उस स्त्री ने ऐसा नहीं किया, उस स्त्री ने उस लड़के को उस कमरे में छोड़ दिया, परमेश्वर की उपस्थिति में छोड़ दिया और दरवाजा बंद कर दिया और अपने आप खाली बाहर आ गई। उसने अपना बोझ, अपनी परेशानी, अपने दुख को परमेश्वर के ऊपर डाल दिया और उसे वहां पर छोड़ दिया और दरवाजा बंद करके वो बाहर आ गई। और इसके बाद भी हम देखते हैं वो डॉक्टर के पास नहीं गई, वो परमेश्वर के भक्त के पास गई, वो एलिशा के पास गई, जिसने वो वरदान उसको दिया था उसी के पास वो फिर गई। और जब एलिशा वापस आया, एलिशा उसके साथ में आया और एलिशा ने उसके लिए प्रार्थना की, उसके ऊपर लेटा और वो बिल्कुल चंगा हो गया। मेरे प्रियो, जब हम ऐसी परिस्थिति में आते हैं, जब हम दुखों में आते हैं, परेशानियों में आते हैं, संकट में आते हैं, ऐसी कठिन समयों से जब हम गुजरते हैं अपने जीवन में, तो तब हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं उस स्त्री की तरह। हम किसी और के पास जाने से अच्छा है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, उस स्पेशल कमरे में जाएं, उस कमरे में जाएं जहां परमेश्वर की उपस्थिति है, उससे हम अकेले में बातचीत करें, तेरा पिता जो गुप्त में है उस गुप्त स्थान में हम जाएं और उससे हम वहां पर बातचीत करें। और बातचीत ही न करें, अपने बोझ को हम केवल उसे शेयर न करें बल्कि उस बोझ को हम वहीं छोड़ के बाहर आएं, अपनी परेशानी को हम वहीं छोड़ के बाहर आएं। किसी और के पास हमें जाने की जरूरत नहीं है, खुदा है, यदि हम उस पर भरोसा रखते हैं तो वह हमारे लिए सब कुछ पूरा करता है। वचन संहिता उसका 37:5 में इस प्रकार से लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे, उस पर भरोसा रख, वही सब कुछ तुम्हारे लिए पूरा करेगा। और उस स्त्री ने यहाँ पर ऐसा ही किया, उसने अपने बेटे की इतनी चिंता नहीं की, वो रोई नहीं, वो पागल नहीं हो गई, उसने उसको गोदी में उठाया, परमेश्वर की उपस्थिति में लेके गई, अब उसको लेट आया और उसको वहीं छोड़ दिया, अपना बोझ उसने परमेश्वर पर डाल दिया और उस पर भरोसा रखा और दरवाजा बंद करके बाहर आ गई और फिर गई वो एलिशा के पास और एलिशा आया और एलिशा ने उसके लिए प्रार्थना की और वो बिल्कुल चंगा हो गया। मेरे प्रियो, जब हम ऐसा ही एटीट्यूड रखेंगे, जब हम परमेश्वर से एक बार प्रार्थना करेंगे और फिर उस परेशानी को, उस बोझ को हम परमेश्वर को दे देंगे, केवल उस पर इस बात के लिए भरोसा रखेंगे कि परमेश्वर अपने समय पर इस बात को मेरे लिए पूरा करेगा, देन परमेश्वर हम सब के लिए सब कुछ पूरा करे। उसने उस डेड बॉडी को वहीं छोड़ दिया, परमेश्वर की उपस्थिति में छोड़ दिया, उस कमरे में छोड़ दिया, उस गुप्त स्थान में छोड़ दिया जहां हमारा परमेश्वर यहोवा मिलता है, उस गुप्त स्थान में उसने उस डेड बॉडी को छोड़ दिया। मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करें, जब हम ऐसे समयों में हों, तब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं और उससे प्रार्थना करें और अपने उस बोझ को जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं वो परमेश्वर के सामने छोड़ दें और वहां से हम खाली होकर बाहर निकलें। फिर उस बात के बारे में हम चिंतित न होएं, उस बात को हम परमेश्वर के ऊपर डाल दें क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है, उस पर भरोसा रखें क्योंकि वही सब कुछ पूरा करेगा। आइए हम सब लोग दुआ करें।
प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए जो आज आपने हमारे जीवनों में दिया। धन्यवाद करते हैं कि आप पुनरुत्थान और जीवन है पिता परमेश्वर, आप मुर्दों को जिंदा करने वाले परमेश्वर है प्रभु। आपकी उपस्थिति में जो भी जाता है प्रभु, आप उसे खाली हाथ नहीं लौटाते हैं प्रभु। जो आप पे भरोसा रखता है प्रभु, उसकी आप सब जरूरतें पूरा करते हैं प्रभु, उसकी प्रार्थनाओं को आप सुनते हैं प्रभु। जिसने अपने मार्ग की चिंता तुझ पर डाल दी है प्रभु, उसका आप ध्यान रखते हैं प्रभु, उसकी आप जरूरतों को पूरा करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जितने भी लोग प्रभु आज ऐसी परिस्थिति में हैं प्रभु, तुझसे प्रार्थना है प्रभु, आप उन लोगों को ऐसी परिस्थिति से बाहर निकालें प्रभु, ऐसे दुख से, ऐसे संकट से, उनके बोझ से प्रभु आप उन्हें आराम दे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।